जोड़ों की समस्याएं बढ़ती उम्र में काफी परेशान करती हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में बच्चे और किशोर भी रीढ़ की समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए कारण है शारीरिक निष्क्रियता और अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित कारक। मोबाइल गेम, इंटरनेट मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, चैटिंग समेत तमाम वेब आधारित गतिविधियों की लत व्यवहार, जीवन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ऐसे में बच्चों और किशोरों में रीढ़ व जोड़ों संबंधित समस्याएं काफी देखी जा रही हैं, साथ ही उनका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों में आजकल रीढ़ की समस्याएं बढ़ रही हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों का गलत ढंग से बैठना और बच्चों का एक्सरसाइज नहीं करना। और इसका रीज़न ये है कि पोस्ट कोविड, कोविड की जो महामारी आई है उसके बाद में बच्चे अब को आदत भी पड़ गई है कि वो घर पर ज़्यादा दिन समय बिताते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट का यूज़ करते हैं और वो गलत पोस्चर में बैठ के करते हैं। स्कूल जब जाते थे तो वो भागते थे, दौड़ते थे, चलते थे, अब एक ही जगह पर बैठ के एक कमरे में बेड पर बैठ गए, चेयर पर बैठ के टेबल पर काम कर लिया और वो गलत पोस्चर पर लंबे समय तक काम करते रहते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप और मोबाइल के कारण वो पढ़ाई के अलावा गेम्स में खेलते रहते हैं और उसके कारण उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो गलत पोस्चर में लंबे समय तक रहने के कारण उसमें खराबी आने लगती है। लंबे समय तक रहने सिर्फ खराबी ही नहीं आती, इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और साथ में इन्फेक्शन भी लगने का डर रहता है। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ शरीर में गर्दन से लेकर कमर तक होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और टेलबोन, ये रीढ़ के भाग होते हैं। रीढ़ वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट से बनी होती है। रीढ़ ऊपर से नीचे तक कई छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनती है जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं। ये वर्टिब्रे ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से डिस्क से जुड़े होते हैं। ये डिस्क वर्टिब्रे के लिए शॉकर का काम करती है जो अचानक चोट लगने पर वर्टिब्रे की रक्षा करते हैं। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कैनाल के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। कई कारण हैं जो बच्चों और किशोरों में रीढ़ संबंधित समस्याओं के खतरे को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करना, शारीरिक सक्रियता में कमी, कोई भी क्रिया करते समय गलत पोस्चर रखना, अधिक वजन या मोटापा और मानसिक तनाव, इन सभी से रीढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर समय व्यतीत करते हैं, वीडियो गेम्स खेलना अधिक पसंद करते हैं, शारीरिक गतिविधियों वाले खेल नहीं खेलते जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गर्दन दर्द, पीठ का दर्द जैसी समस्याएं अक्सर परेशान करती हैं, लेकिन उस समय ये नहीं सोचा जाता कि इसका कारण गलत तरीके से बैठना हो सकता है। गलत पोस्चर, कोई रोग, रीढ़ में कोई चोट, रीढ़ की हड्डी का टूटना या डिस्क का खिसकना यानी स्लिप डिस्क समस्या का कारण बन सकता है। रीढ़ की समस्या होने पर व्यक्ति को दर्द होता है, साथ ही उसकी क्रियाएं करना भी मुश्किल हो सकता है। मोबाइल फोन व लैपटॉप का अधिक प्रयोग करने से पूरा दिन थकान बनी रहती है। अधिक देर तक बैठे रहने से शारीरिक निष्क्रियता आती है और वजन बढ़ने लगता है। पोस्चर इम्बैलेंस होता है जो समस्या का कारण बनता है। सबसे पहले तो इसमें बच्चों को दर्द होना स्टार्ट होता है रीढ़ की हड्डी में, कमर की हड्डी में, और वो दर्द बढ़ जाता है तो उसमें झंझनाहट पैरों में या गर्दन में, हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन आने लगता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि माता पिता जब बच्चों को नहाते हैं या वो कपड़े पहन रहे होते हैं उनको देखते हैं तो उस समय अगर कोई रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा लंबे समय तक आपको बता रहा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन आ रहा है, शाम में बुखार आ रहा है, या पेशाब की शक्ति में कमजोरी आ रही है, पॉटी की शक्ति में कमजोरी आ रही है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें और इसका डायग्नोसिस करें। शोध से ये भी बताया गया है कि अधिक देर तक शारीरिक निष्क्रियता जीवन की अवधि पर भी असर डालती है। ऐसे में बच्चों और किशोरों में स्फूर्ति नहीं रहती, सुस्ती बनी रहती है और पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। ये सभी कारण बनते हैं जोड़ों, मांसपेशियों और रीढ़ की समस्याएं उत्पन्न होने का। बच्चों में और किशोरों में सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी मोबाइल, डोंट यूज मोबाइल।
आपको खुद को सक्रिय रखना है, वर्जिश करना है, पोस्चर मेंटेन करना है, ठीक से बैठना है, बेड पर बैठ करके पढ़ाई करना, लेट करके पढ़ना, गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ना, या लंबे समय तक मोबाइल का, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का यूज़ करना। आजकल देखा गया बच्चों में वो पेट पर अपने मोबाइल को, लैपटॉप को डेस्कटॉप पर रख करके लेट जाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि गर्दन की हड्डी नीचे को झुक जाती है और लंबे समय तक रहते हैं तो गर्दन की हड्डी में डेवलपमेंटल एज में जब वो रीढ़ की हड्डी बढ़ रही होती है उसमें ही खराबी आने लगती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रीढ़ की हड्डी की जो नॉर्मल पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखें और साथ में खान पान का ध्यान रखें ताकि उसका पोषण अच्छा हो। रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होता है उसके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो आप पानी का सेवन भी करते रहें, कम से कम 4 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। आवश्यक है कि बच्चों को अधिक देर तक बैठे न रहने दें, उन्हें शारीरिक सक्रियता वाले खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और साथ ही किसी भी क्रिया को करते समय उचित पोस्चर का ध्यान रखा जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। शारीरिक सक्रियता के साथ जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से और सावधानी रखने से बच्चों और किशोरों में रीढ़ व अन्य समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। रीढ़ को सीधा रखना या